Now the question number 5, which is the most important question. What other extraordinary things, कौन सी वो दूसरी अद्भुत या विशेष घटनाएं हैं, happen at the inn, जो उस घर में या उस लॉज में हुई जहां पर हमारा हीरो यानी कि ग्रिफिन रहता था. Answer: many other extraordinary things happened in the inn. बहुत सी दूसरी जो असाधारण घटनाएं थी वो उस सराय में हुई या लॉज में हुई. द फर्स्ट द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, सबसे पहली घटना, लैंडलॉर्ड उसकी पत्नी ने फाउंड माने पाया द साइंटिस्ट डोर ओपन, वैज्ञानिक ग्रिफिन का दरवाजा खुला हुआ क्योंकि ये अक्सर बंद रहता था. बट देयर वाज नो वन इन द रूम, लेकिन कमरे में कोई नहीं था जब वो अंदर गए होंगे. देन मिसेज हॉल हर्ड स्निफ, तभी मिसेज हॉल ने छींकने की आवाज सुनी क्लोज टू हर ईयर, अपने कानों के पास. आफ्टर अ मोमेंट, एक क्षण के बाद, द हेड ऑन द बेड पोस्ट, जो बेड के जो पोस्ट होती हैं उसके ऊपर एक हेड रखा हुआ था जो ग्रिफिन का था, लीप्ड अप, एकदम उछल पड़ा. इट डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, ये खुद जाके टकराया. ऐसा लग नहीं रहा था कोई फेंक रहा है क्योंकि वहां कोई दिख नहीं रहा था, ये मिसेज हॉल के चेहरे में टकराया. द चेयर बिगेन मूविंग ऑटोमेटिकली, और जो कुर्सी वहां पड़ी हुई थी, आराम कुर्सी थी, आराम चेयर, वो अपने आप हिलने लगी, जैसे आपने भूल भुलैया में देखा होगा. ओके, दीज थिंग्स मेड देम थिंक, इन बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया. किस बात से? दैट द फर्नीचर वॉज हॉन्टेड, कि इस कमरे के जो फर्नीचर हैं उसमें कहीं ना कहीं भूत प्रेत का साया है. है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी. सो ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन. कॉमेंट, किस बात पर हमें यहां पर कॉमेंट करना है या चर्चा करनी है, कि ग्रिफिन एक स्वेच्छाधारी व्यक्ति है. जैसे आपने इच्छाधारी नाग नागिन सुने, वैसी स्वेच्छाधारी, जो अपनी इच्छा से काम करता है, किसी नियम या कानून को नहीं मानता. ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन था रेदर अपेक्षाकृत अ लॉलेस, एक स्वेच्छाधारी पर्सन मींस व्यक्ति. ही सेट फायर, वो आग लगाता है टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, अपने मकान मालिक के घर को, विच जो कि डिड नॉट बिलोंग टू हिम, उसकी संपत्ति नहीं, उसका कोई संबंध नहीं है उस पर. वो कपड़े चुराता है फ्रॉम द लंदन स्टोर, लंदन के स्टोर से, विदाउट पेइंग फॉर देम, और उनका कोई पैसा भी नहीं देता, यानी कि चोरी करता है. ही हिट अ शॉपकीपर, वो एक शॉपकीपर दुकानदार को मारता है. एंड स्टोल हिज मनी, उसका पैसा चुराता है. ही स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स हाउस ऑल्सो, और साथ ही साथ, और जिस मकान में वो रहता है उस मकान के मालिक जो क्लर्जी मैन है, पादरी है, उनका भी पैसा चुराता है. ही ऑल्सो स्ट्रक मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल ऑन ड्यूटी, और लास्ट में एक कॉन्स्टेबल जो उसे पकड़ने आता है वो उस पर भी प्रहार करता है. तो इससे पता चलता है वो किसी नियम कानून को नहीं मानता, वो एक स्वेच्छाधारी, इच्छाधारी नहीं, स्वेच्छाधारी, और इसे इच्छाधारी भी कह सकते हैं, व्यक्ति है जो किसी नियम कानून की परवाह नहीं करता. है नंबर 7, हाउ वुड यू असिस्ट ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट. आप ग्रिफिन साइंटिस्ट को किस प्रकार असिस्ट करेंगे, उसका कैसे आकलन करेंगे. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं. ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था, इसमें किसी को कोई शक नहीं. बिकॉज ही इन्वेंटेड अ ड्रग, उसने एक ऐसी दवा ईजाद की विच कुड मेक हिम इनविजिबल, जो उसे अदृश्य बना सकती थी या जिसने उसे अदृश्य बनाया भी. बट ही वॉज नॉट अ रियल साइंटिस्ट, लेकिन वो सही मायनों में एक वैज्ञानिक नहीं है. इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ही मिसयूज्ड, उसने दुरुपयोग किया हिज इन्वेंशंस, अपने विज्ञान का, अपने आविष्कारों का. अ ट्रू साइंटिस्ट, एक सच्चा वैज्ञानिक, यूजेज हिज इन्वेंशंस, अपने आविष्कारों का प्रयोग करता है फॉर द बेनिफिट्स, लाभ के लिए, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की. ही नेवर कॉजेस ट्रबल, वो कभी भी परेशानी का कारण नहीं बनता टू द पीपल, लोगों के लिए, बिकॉज ऑफ हिज इन्वेंशंस, अपने आविष्कारों से. तो इससे पता चलता है कि ग्रिफिन एक वैज्ञानिक तो था
लेकिन वो एक नेगेटिव माइंडेड व्यक्ति है, या कह सकते हैं ही वाज अ लॉलेस पर्सन। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स कैसे लगे? अच्छे लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।